गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लंबराइजेशन ऑफ द स्पाइन। आज हम बात करेंगे लंबराइजेशन ऑफ द स्पाइन के बारे में कि क्या होती है। इट इज ए कंजेनाइटल एनोमली इन विच इज प्रेजेंट बाय बर्थ। कंजेनाइटल एनोमली होती है लंबराइजेशन ऑफ द स्पाइन जो कि जन्म से ही प्रेजेंट होती है। In this first sacral vertebra is not fused to the rest of the sacrum, मतलब जो पहली sacral vertebra है वो बाकी sacrum से fuse नहीं होती है। Total sacrum fuse होके पांच vertebra fuse होके एक sacrum बनाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि ये बड़े वाला जो fifth lumbar vertebra के नीचे जो ये बड़े वाला triangular bone है ये हम सेक्रम बोलते हैं। ये सेक्रम है तो ये सेक्रम पांच सेक्रल वर्टिब्रा से फ्यूज होके बनता है जिसमें कि लंबराइजेशन में क्या होता है कि आपका पहले वाला जो सेक्रल वर्टिब्रा है ये फर्स्ट वाला ये फ्यूज नहीं होता है, इसको लंबराइजेशन कहते हैं। ड्यू टू दिस इट अपियर डेट देर इज ए सिक्स लंबर वर्टिब्रा इंस्टेड ऑफ फाइव एंड फोर सेक्रल वर्टिब्रा इंस्टेड ऑफ फाइव। जब ये वाला वर्टिब्रा सेक्रल वर्टिब्रा फ्यूज नहीं होगा तो ये लंबर का ही पार्ट लंबर वर्टिब्रा का ही पार्ट बन जाएगा। तो पहले लंबर वर्टिब्रा पांच थे, फाइव फोर थ्री टू वन, ये फाइव लंबर वर्टिब्रा है। इसके साथ अगर सेक्रल वाला जो फर्स्ट वर्टिब्रा फ्यूज नहीं होगा तो ऐसा लगेगा कि लंबर के सिक्स वर्टिब्रा है जो मूवेबल वर्टिब्रा है, और जो सेक्रम है वो पांच वर्टिब्रा से मिलता है बनता है। अब ये फ्यूज ना होने के कारण ये लगेंगे कि ये सेक्रम की चार वर्टिब्रा, राइट। देयर इज टू टाइप ऑफ लंबराइजेशन। लंबराइजेशन दो टाइप की होती है, यूनिलेटरल और बाइलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब है एक साइड से मूव होगा और एक साइड से जो है फिक्स होगा, यानी कि जो एक साइड का ट्रांसफर प्रोसेस है और वो फ्यूज हो जाएगा जो, और एक साइड से जैसे कि आप इसमें देख पाएंगे कि ये एक साइड से जो है फ्यूज हो जाएगा और एक साइड से मूवेबल रहेगा, तो ये हो गया आपका यूनिलेटरल। और दोनों साइड से ही फ्यूज नहीं हुआ है तो ये हो गया हमारा बाइलेटरल। The symptom of lumbarization are pain, decrease range of motion and stiffness. Range of motion है वो कम हो जाएगी, pain होगा और stiffness होगी, ये इसके symptom है। The diagnosis of lumbarization can be done by X-ray, CT scan and MRI. In X-ray, there should be two view, AP view and lateral view with patient in flexion and एक्सटेंशन। डायग्नोज इसका हम एक्सरे से, एमआरआई से और सीटी स्कैन से कर सकते हैं। एक्सरे दो व्यू में, हम लेटरल व्यू में और एपी व्यू में लेंगे। पेशेंट का पोजीशन फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों टाइप से होगा। ट्रीटमेंट में क्या हम दे सकते हैं? द ट्रीटमेंट शुड कंसिस्ट ऑफ नसेड्स, नर्व ब्लॉक, सर्जिकल फ्यूजन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, पेन किलर एंड प्रोलोथेरेपी टू स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ द स्कार टिश्यू। तो इस टाइप से हम आपका लंबराइजेशन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पेन किलर देके या प्रोलोथेरेपी देके, सर्जिकल फ्यूजन करके, स्टेरॉयड देकर, नर्व ब्लॉक करके या पेन किलर देके। थैंक यू।